खबर नरसिंहपुर से है, जहां ग्राम बहर पौंडी निवासी दशरथ सिंह कुर्मी ने बताया, 3 मई को जब जबलपुर के साथ हॉस्पिटल जबलपुर में भर्ती हुआ था, 5 मई को सुधा हॉस्पिटल में दशरथ के हाथ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के तुरंत बाद हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर कर्मचारी दशरथ को काली पन्नी में पैक करने लगे। उसे लगा कि लोग ऑपरेशन की वजह से पन्नी में ढक रहे हैं। अचानक वो घबरा कर उठे, तो उन्होंने जिंदा मृत घोषित वो उनको कर रहे थे। जब दशरथ की पत्नी इस घटना को लेकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना कोतवाल स्टेशन गई, थाना कोतवाल स्टेशन ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में कुछ अस्पतालों में मौत का धंधा चल रहा है। क्या नाम आपका? दशरथ सिंह कुर्मी। दशरथ सिंह कुर्मी। कहाँ रहते हैं आप? आपके साथ क्या घटना हुई 3 मई की? वो हम जो स्ट्रेचर पर ले गए हमको ऑपरेशन थिएटर में, वो एक तो उन्होंने को बेड लगाया है, हमको सुला दिया, हम चुमाओ गए। क्या नाम आपका? हमारा नाम अनीता कुर्मी सर जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बैरकोणी के रहने वाले, जिला नरसिंहपुर, पोस्ट डालघान लगता है। जो आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था जी सर, तो आप जबलपुर में कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? हम उनको सुधा हॉस्पिटल लेके गए थे सर जी। सुधा हॉस्पिटल में आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? सर जी, हम 3 तारीख को अपने पेशेंट को लेकर सुधा हॉस्पिटल गए, मेरे साथ में मेरा लड़का, दामाद और बहन हुई।